दुकानों पर नेम प्लेट मामले में योगी हुकूमत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक। सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत की जानिब से दुकानात पर नेम प्लेट लगाने के मसले पर समाप्त हुई। अदालत ने योगी हुकूमत को जबरदस्त धक्का दिया। अदालत उज़्मा ने कांवड़ यात्रा रोड पर दुकानदारों को अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के हुक्म पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि खाने पीने की दुकानों पर सिर्फ खाने पीने की अशिया की अकसाम लिखी जाएं, दुकानदार का नाम लिखना ज़रूरी नहीं। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजारों के वकील ने नेम प्लेट लगाने के हुक्म का हवाला देते हुए कहा कि पहले दो रियासतों ने ऐसा किया, अब मजीद रियासतें ऐसा फैसला करने जा रही हैं। बल्दिया के बजाय पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जा रही है। अकलियतों और दलितों को अलग थलग किया जा रहा है। अदालत ने पूरे मामले की समाअत के बाद कहा कि इस तरह के हुक्म की कोई कानूनी बुनियाद नहीं है और इससे मुल्क के सेक्युलर किरदार को नुकसान पहुंचता है जो आईन की तमहीद का हिस्सा है। आंध्र प्रदेश के अनामिया ज़िले के मदनपल्ली सब कलेक्टर ऑफिस में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया। शॉर्ट सर्किट के सबब लगी इस आग के नतीजे में दफ्तर में रखा सामान, फाइल्स और दीगर अशिया जलकर खाकिसर हो गई। इस वाकये में तहसीलदार दफ्तर से लाई गई अराजियात से मुतालिक फाइल्स, इंतखाबात से मुतालिक फाइल्स और दीगर रिकॉर्ड जलकर खाकिसर हो गए। इस आग के नतीजे में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं है। मुकामी पुलिस मसरूफ तहकीकात है। शहर हैदराबाद में मंशियात का इस्तेमाल करने वालों पर सख्त नज़र रखी जा रही है। नारकोटिक्स पुलिस ने इतवार की रात शहर हैदराबाद में कई पबों की तलाशी ली। इस दौरान जुबली हिल्स में वाक़े एक पब में तलाशी ली गई, जिसके बाद चार लोग मंशियात का इस्तेमाल करते हुए पाए गए। इसके अलावा दुर्गम चेरू में जैतून कैबस्ट्रो पब की भी तलाशी ली गई और मजमूई तौर पर 11 अफराद मंशियात का इस्तेमाल करते हुए पाए गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने कांवड़ रूट पर दुकानों पर दुकानदारों के नाम की तख्ती लगाए जाने के योगी हुकूमत के फैसले पर एक बार फिर सवाल उठाया। इसके साथ ही उन्होंने योगी हुकूमत को चैलेंज भी किया। संजय रावत ने कहा कि ये लोग मुल्क को दोबारा तकसीम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप ढाबों पर मुसलमानों के नाम चाहते हैं तो उन मुसलमानों के नाम लगाएं जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की है। संजय रावत ने कहा कि अब्दुल हमीद से लेकर मणिपुर में, जम्मू में जितने मुसलमान जवानों ने शहादत दी है उनके नाम भी जगह जगह लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट यानी कि नाम की तख्ती का ये फैसला एक बार फिर से मुल्क को तकसीम करने के लिए है। मरकजी हुकूमत ने आरएसएस के ताल्लुक से बड़ा फैसला लिया है। हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर आयद 58 साल पुरानी पाबंदी को हटा दिया। नवंबर 1966 में उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी ने यह पाबंदी आयद की थी। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने सिलसिले में एक ट्वीट करते हुए लिखा कि 58 साल कबल 1966 में जारी किया गया गैर आइनी हुक्म जिसमें आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले सरकारी मुलाजिमीन पर पाबंदी आयद की गई थी, मोदी हुकूमत ने इस फैसले को वापस ले लिया। मरकजी हुकूमत के इस फैसले की कांग्रेस ने मुखालिफत की। कांग्रेस कायद पवन खेरा ने सरकारी हुक्मनामे की एक कॉपी ट्वीट की और लिखा कि सरकार ने 58 साल पुरानी पाबंदी हटा दी है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजिमीन को आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त देने के फैसले की शदीद मुखालिफत की और इस फैसले को मुल्क की सालमियत और इत्तेहाद के लिए खतरा करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सदर मजलिस ने हुकूमत के अहकाम की एक कॉपी पोस्ट करते हुए लिखा कि इस दफ्तरी मेमो से जाहिर होता है कि हुकूमत ने आरएसएस की सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले सरकारी मुलाजिमीन पर से पाबंदी हटा दी। अगर ये सच है तो ये हिंदुस्तान की सालमियत और इत्तेहाद के खिलाफ है। आरएसएस पर पाबंदी इसलिए मौजूद है कि उसने असल में आइन, कौमी परचम और कौमी तराने को मानने से इनकार कर दिया था। हैदराबाद शहर के सनत नगर में एक ही खानदान के तीन अफराद की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। मरने वालों में शोहर, बीवी और बेटा शामिल हैं। उन तीनों की नाशें बाथरूम में पाई गई। ये वाकया जेक कॉलोनी में वाक़ अक्षत्रा रेसिडेंसी में पेश आया। मरने वालों की शिनाख्त आर वेंकटेश 55 साल, माधुवी 50 साल और हरी 30 साल के तौर पर की गई है। अपार्टमेंट के पड़ोसी ने बाथरूम में तीन नाशें देखकर पुलिस को इतला दी। मुकामी लोगों के मुताबिक वेंकटेश के अपार्टमेंट में खातून काम करती है। सुबह काम पर आने वाली खातून अपार्टमेंट में किसी की भी आवाज़ न आने पर अपना काम खत्म करने के बाद चली गई। उसने अपार्टमेंट का बाथरूम बंद पाया। सहपहर 3 बजे काम करने वाली खातून दोबारा अपार्टमेंट आई।
उस वक्त भी अपार्टमेंट में कोई मौजूद नहीं थे और बाथरूम का दरवाज़ा बंद होने पर उसे शक हुआ और उसने पड़ोसी में रहने वाले लोगों को इत्तला दी। पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी और पुलिस पहुंचकर अपार्टमेंट की तलाशी ली और बाथरूम बंद रहने पर उसे तोड़ दिया, जहां 3 नाशें बाथरूम में मुश्तबा हालत में पाई गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इब्तदा में समझा गया कि बर्फी शॉक लगने से उन तीनों की मौत हो गई, लेकिन इस तरह के कोई सबूत नहीं मिले। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में उस वक्त ड्रामाई तब्दीलियां देखने में आई जब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि वो साल 2024 में होने वाले अमेरिकी सदारती इंतखाबात से दस्तबरदार हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी वाजे किया कि वो अब अमेरिकी सदारती इंतखाबात में मुकाबला नहीं करेंगे। जो बाइडन ने हिंदुस्तानी नजाद कमला हैरिस को सदारती इंतखाबात की अगली दावेदार करार दिया। बाइडन का यह फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब उनके साथी डेमोक्रेटिक्स उन पर मुसलसल दबाव डाल रहे थे और कह रहे थे कि वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कमज़ोर उम्मीदवार साबित हो रहे हैं। जो बाइडन ने कहा कि वो आने वाले दिनों में मुल्क को इंतखाबात में मुकाबला ना करने के बारे में तफसील से आगाह करेंगे। NCP के कौमी सदर और महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पवार ने एक हैरतअंगेज़ ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी महाराष्ट्र में मुकामी और बल्दी इंतखाबात में तनहा मुकाबला करेगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने पिंपरी चिंचवाड़ी में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि NCP ने लोकसभा इंतखाबात में महायुति के हलीफों के साथ मुकाबला किया था। पार्टी आने वाले असेंबली इंतखाबात में भी हलीफों के साथ मुकाबला करेगी, लेकिन हम बल्दी और मुकामी इंतखाबात में तनहा मुकाबला करेंगे। वादे रहे कि साल 2023 में शरद पवार की ज़ेर क़यादत पार्टी से अजित पवार की अलहदगी के बाद NCP पहली मरतबा मुकामी और बल्दी इंतखाबात में किस्मत आजमाई कर रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मेडिकड्डा बैरेज की मरम्मत, मुआयनों और कमीशन की तहकीकात से मुतालिक उमूर का जायजा लिया। रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में अपने सरकारी क़ियामगाह पर एक जायजा इजलास मुनाक़िद किया। इजलास में वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, महकमे आबपाशी के सेक्रेटरी राहुल बोझा और मुशीर महकमे आबपाशी आदित्यनाथ दास ने शिरकत की। वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी और अहदेदारों ने उन उमूर की तफसीलात से वज़ीर आला को उन उमूर से भी वाकिफ़ करवाया जो दिल्ली में मुनाक़िदा नेशनल डिज़ास्टर अथॉरिटी के इजलास में मौजूद बहस आए थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उन उमूर पर गौर खोज के बाद अपनी राय से वाकिफ़ करवाया और हिदायत जारी की। वज़ीर आला ने नेशनल डिज़ास्टर अथॉरिटी इजलास से मुतालिक उमूर पर अपनी जानिब से कुछ तजावीज़ भी पेश की। ये इजलास आज होने वाला है। इस इजलास में अहदेदार और इंजीनियर शिरकत करने वाले हैं। सोशल मीडिया रील के लिए फांसी लेने की एक्टिंग का वीडियो बनाने के दौरान कम उम्र लड़के की हो गई मौत। ये वाकया रियासत मध्य प्रदेश के ज़िले मोनेरा में आया पेश। ज़राए के मुताबिक 21 जुलाई को 11 साल किरण परमार अपने दोस्तों के साथ मकान के करीब एक खुले प्लाट के पास खेल रहा था जहां दरख्त भी था। किरण ने अपने दोस्तों से कहा कि वो एक ख़तरनाक स्टंट करने वाला है जिसे वो कैमरे में कैद करें। उसने रस्सी की मदद से दरख्त से फांसी लेने का स्टंट किया। इस दौरान हकीकी तौर पर फंदा उसके गले में फंस गया और वो लड़का तड़प रहा था, जबकि उस लड़की के कम उम्र साथी जो इस मंजर की फिल्मबंदी कर रहे थे ये समझ रहे थे कि उनका दोस्त एक्टिंग कर रहा है। कुछ देर बाद लड़के की मौत हो गई, तब उन्हें मालूम हुआ कि हकीकत में उनके दोस्त को फांसी लग चुकी है। राय के मुताबिक वहां से गुजरने वाले अफराद ने भी इब्तदा में यही समझा कि वो एक्टिंग कर रहा है और किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। काफ़ी देर तक जब वो उसी हालत में लटका रहा तो मुकामी अफराद ने उसे उतारकर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया।